हेलो एवरीवन तो इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किसी भी इंडक्टर के अंदर कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है देखिए किसी भी कोयल या सोलेनोइड को एक इंडक्टर कहा जाता है क्योंकि इनका कुछ सेल्फ इंडक्टेंस होता है सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी इंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर से फ्लो होने वाले करंट के चेंज होने का अपोजिशन करता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि, कि किसी भी इंडक्टर के अंदर ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कैसे होती है तो देखिए इसके लिए मान लेते हैं कि हमने एक इंडक्टर को जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है एल उसे एक बैटरी और की से कनेक्ट किया हुआ है इनिशियली हमने की को ऑफ रखा है यानी कि इनिशियली सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है जीरो अब जैसे ही हम इस की को ऑन करते हैं तो इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट जीरो से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है अब जैसे ही सर्किट के अंदर फ्लो होने वाला करंट इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से इस इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है मैग्नेटिक फ़ील्ड के इंक्रीज होने की वजह से इस इंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होता है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होगा या चेंज होगा तो उस इंडक्टर के अंदर एक ई एम एफ़ और करंट इंड्यूस होगा अब लेंस लो के अकॉर्डिंग इस इंडक्टर के अंदर इंड्यूस होने वाले ई एम एफ़ की डायरेक्शन इस टाइप से होगी कि वो इस करंट के इंक्रीज़ होने का अपोजिशन करे अब अगर इस सर्किट में लगी हुई इस बैटरी को इस सर्किट में करंट मेंटेन करना है तो उसे इस इंड्यूस्ड टी के अपोजिट कुछ एक्सटर्नल वर्क करना होगा बैटरी को इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है वो इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है यानी कि यहाँ पर सिंपली हम कह सकते हैं कि जैसे हम इस सर्किट को ऑन करेंगे तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट इंक्रीज होगा और इस करंट के इंक्रीज होने की वजह से इस इंडक्टर के अंदर एक ई इंड्यूस होगा इस ई के इंड्यूस होने की वजह से इस बैटरी को सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है जो इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस इंडक्टर ने कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर रखी है तो इसके लिए सिंपली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस बैटरी को इस सर्किट में करंट आई मेंटेन करने के लिए कितना एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बैटरी को इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए जितना भी एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है वो इस इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए इस बैटरी को टोटल कितना वर्क करना पड़ता है तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे हम इस की को ऑन करते हैं इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जीरो से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट के ऊपर इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है आई और यह करंट एक कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इस इंडक्टर के अंदर जो ई इंड्यूस होगा उसे लिखा जा सकता है ई इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी यहाँ पर एल का मतलब है इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस और di आई बाई का मतलब है इस इंडक्टर में पास होने वाले करंट के चेंज होने की रेट अब यहाँ पे अगर इस बैटरी को इस सर्किट में करंट मेंटेन करना है तो उसे इस इंड्यूस टी एम के अपोजिट एक वोल्टेज सप्लाई करना होगा यहाँ पे ये यह बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई करेगी उसका मैग्नीट्यूड इस इंड्यूस टी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ताकि वो इस इंड्यूस टी को कैंसिल कर दे यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि इस बैटरी को जो वोल्टेज सप्लाई करना होगा वो इक्वल होगा माइनस ऑफ ई के यहाँ पे ये जो माइनस का सिंबल है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बैटरी वोल्टेज सप्लाई कर रही है वो इस इंड्यूस टी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो चलिए अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए इस बैटरी को किसी स्मॉल टाइम इंटरवल डी के अंदर कितना एक्सटर्नल वर्क करना होगा तो देखिए इस बैटरी को जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है उसे लिखा जा सकता है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी इंटू डी टी यहाँ पे पी का मतलब है इलेक्ट्रिकल पावर जो ये बैटरी सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिकल पावर को वोल्टेज और करंट के टर्म्स में लिखा जा सकता है पी इक्वल्स टू वी इंटू आई यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी वी इंटू आई इंटू डी टी यहाँ पर वी का मतलब है वो वोल्टेज जो ये बैटरी सप्लाई कर रही है और हम जानते हैं कि बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई करती है वो इंड्यूसड टी एम एफ़ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है यानी कि वी की जगह हम पुट कर सकते हैं माइनस ऑफ ई यानी कि ये इक्वेशन बन जाएगी डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ई इंटू आई इंटू डी टी अब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इंड्यूस टी एम ऑफ ई की वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई इंटू डी टी यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा और ये डी टी और डी टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे यानी कि इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बन जाती है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एल इंटू आई इंटू डी टी अब यहाँ पे अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस बैटरी को इस सर्किट के अंदर जीरो से लेके मैक्सिमम करंट आई तक मेंटेन करने के लिए टोटल कितना वर्क करना होगा तो इसके लिए हम इस इक्वेशन का जीरो से आई की लिमिट के साथ में इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा W, तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन विद लिमिट्स जीरो टू आई एल आई डी आई यहाँ पे ये जो L है यानी कि इस इंडक्टर का जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं I का इंटीग्रेशन होगा आई स्क्वायर बाई टू तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है W इक्वल्स टू एल इन टू आई स्क्वायर बाई टू विद लिमिट्स जीरो टू आई यहाँ पर जब हम ये अपर और लोअर लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट के ऊपर ये वैल्यू बनेगी कैपिटल आई स्क्वायर बाई टू और लोअर लिमिट के ऊपर ये वैल्यू बनेगी जीरो यानी कि इस इक्वेशन को सिम्पलीफाई करके लिखा जा सकता है W इक्वल्स टू वन बाई टू एल आई स्क्वायर यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि सर्किट के अंदर जीरो से लेके I तक करंट को मेंटेन करने के लिए इस बैटरी को जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो वर्क होगा वन बाई टू एल आई स्क्वायर और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो टोटल वर्क इस बैटरी को करना पड़ेगा ये इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा यानी कि इस इंडक्टर की जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुला है वो भी होगा वन बाई टू एल आई स्क्वायर तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी इंडक्टर की मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे हमको एक बात ध्यान रखनी है जब तक इस सर्किट में करंट इंक्रीज होता रहेगा तब तक ही इस बैटरी को कुछ एक्सटर्नल वर्क करना होगा जैसे ये करंट मैग्जिम तक पहुँच के कॉन्स्टेंट हो जाता है उस सिचुएशन में इस इंडक्टर के अंदर कोई भी ई एम इंड्यूस नहीं होता क्योंकि जब करंट की वैल्यू मैगजिम तक पहुँच के कॉन्स्टेंट हो जाती है तो इस इंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट हो जाता है और उस सिचुएशन में इस इंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा अब कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कभी भी ई एम एफ इंड्यूस नहीं होता और अगर ई एम एफ इंड्यूस नहीं होगा तो इस बैटरी को कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी यानी कि जब इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंच के कॉन्स्टेंट हो जाएगी तो उस सिचुएशन में बैटरी कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं करेगी इसी तरीके से हमको याद रखना है कि अगर हम इस सर्किट के अंदर इस की को ऑफ करते हैं तो इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा अब अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो इस इंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज़ होगा अब मैग्नेटिक फ्लक्स के डिक्रीज होने की वजह से या चेंज होने की वजह से इस इंडक्टर के अंदर अगेन एक ई इंड्यूस होगा अब इस इंड्यूस टीम ऑफ की डायरेक्शन इस टाइप से होगी कि वो इस करंट के डिक्रीज होने का अपोजिशन करे तो इस सिचुएशन में ये जो इंडक्टर है ये एक एनर्जी के सोर्स की तरह बिहेव करेगा और जितनी भी एनर्जी इसने स्टोर कर रखी है ये इस सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए उस एनर्जी को एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई कर देगा यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि जब हम इस की को ऑन करते हैं तो उस कंडीशन में इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट इंक्रीज होता है और उस सिचुएशन में ये जो इंडक्टर है ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर लेता है लेकिन जब हम इसकी को ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में सर्किट में फ्लो होने वाला करंट डिक्रीज होता है अब करंट के डिक्रीज होने का अपोजिशन करने के लिए ये जो इंडक्टर है अब ये एक एनर्जी के सोर्स की तरह बिहेव करता है और इसने जितनी भी एनर्जी स्टोर कर रखी है उसे करंट को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट में सप्लाई कर देता है यानी कि अगर इंडक्टर से पास होने वाला करंट इंक्रीज होगा तो ये एनर्जी स्टोर कर लेगा और अगर इंडक्टर से पास होने वाला करंट डिक्रीज होगा तो ये एनर्जी सप्लाई करेगा और इन दोनों ही सिचुएशंस में ये करंट के चेंज होने का अपोजिशन करेगा तो गाइज आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय